माँ मैंने बापा मैंने ये प्रसंग शुणी आपण मैंने निश्चित रूप से चित्तचांचल्य ब्रत भाव पोषण करे मालिकार एवं कूढ़ कूढ़ आलोचक खूब प्रज्ञा पंडित मंडली सुंदर भाव रे मालिका को आलोचना करी वर्ष मास दिन दंड को निधार्य करी कलीजुगर अंतिम चरण परदा टाणी दौंती किंतु सतरे कौन से ठार से गार महापुरुषंगर से कथा को आम बुझीचे केते गुड़िए लक्षण देखी आम हुए तो निर्णय करी पारिबा अधर्म प्रबल हेलानी धर्म क्षय हेलानी कलीजुग धीरे धीरे शेष आड़ को जाउची किंतु एही दिन एही मुहूर्त रे एपरी हे जीव ए कथा सब कहिला बेळकु निश्चित टिके सतर्कता अवलंबन करिया दरकार आज्ञा एक मु कहू नहीं महापुरुष निजे कहउचंती भविष्य मालिका ग्रंथ नाम होची शिवकल्प निर्घंट कहंता बहंता सोरता बकता केही न पड़ीबे भय एका अनुभव कथा गोटी सार निरंजन निरामय निरंजन निरामय सुजने निरंजन निरामय निरंजन निरामय सुजने निरंजन निरामय बोली अच्युतानंद महापुरुषंकर केड़े सुंदर कथाटीए महापुरुष कहिले कले हे बकता गण हे श्रोतागण ए कथा को बहन करूथिबा व्यक्तिगण टिके सचेतन हुओ पूर्वरु आज्ञा आपण माने सुनिथिबे अनेक मालिका आलोचक निर्दिष्ट गार देकि बाड़ पकई कहि देथिले एई दिन पृथ्वी ध्वंस या परे आउ दिन नाही एइटि सरीगला कलीजुगर आयुष घोर अंधकार आउ नाही किए न्यास्टोडर्मस कथा को आनी थोइले किए आहुरी केते भविष्य वक्ता ज्योतिषंग कथा को थोइले किए महापुरुष अच्युतंग कथा थोइले महापुरुष अच्युतानंद सुंदर शब्द रे कहिले सतर्क हुओ केही न पड़िबे थय श्रोता वक्ता बहंता बुझंता समस्ते उत्पात होबा को लागिबे समस्ते कहिबे आमे जानिछु किंतु किए जानी एका अनुभव कथा गोटी सार जहाकू महाप्रभु से दिव्य चमक दे थे जी सद्गुरु से दिव्य कृपा लाभ करहाकू निम्बाला ग्रामर से अक्षय वट तलु महापुरुषंकर कृपा प्राप्त हब सी ही कहना महिमा को सेतिपाई ठाकुर श्री श्री अभिराम कहिले अनुभव को सत्य कही कहई अभिराम बाई अनुभव करिबाटी कौन सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ मोते भसा अपराण मोर तब प्रेम श्रोते भसा अपराण मोर तब प्रेम श्रोते भसा अपराण मोर तब प्रेम श्रोते बोली अच्युतानंद महापुरुषंकर भसा अपराण मोर तब प्रेम श्रोते ताहि तो धर्म ताहि तो आचरण ताहि तो अनुसरण सत्यपथरे धर्मपथरे गति करिवा पाई संकल्प बोध प्रथमे वक्तांकु पचारिवा हो भाष्यकार गण प्रभुपादरे पिरति अछि त काहाकु कहिबा दरकार नै निज छातिरे हाथ रखी निजकु पचार कारण अनुभव ही सत्य निजकु पचार सत्यपथरे चलुछ त नीतिरे रहिछ त नियमकु मानुछ त कहीं महापुरुष कहले शुण शुण बाचाड़ी किपर करे वक्ता मान थोके कहुथिवे जनम हेलेनी दर्शन करीछि मुहि बोली अच्युतानंद महापुरुष की
ए कथाटा कान उठिला दिनु मनुष्य शुणिलाणी। ओ से अमुक जगारे जन्म हेगले कल्कि सी एमती हाइचंदी, तांगो मुंडरे त्रिशूल चिन्ह अछि, सी एमती हाइचंदी, तांगरा सिंह उठिछि। हां किए केते प्रकारे बाहा बाहा नबा पई आमे बुझिचु, आमे जानिचु, आमे निर्णय करि पकेइचु। नाना प्रकारे कल्किंकर अवतार कथा वर्णना करा जाउछि। महापुरुष कहिले थोका एवा हारिवे आउ कहिवे जे हाँ हाँ जन्म हेलेणी, मालिका वर्णित पुरुष माने जन्म हेलेणी। किए ना साक्षात रे महापुरुष अच्युत जन्म नहीं गलेणी, पंचसखा आसीगलेणी, द्वादश गोपाल कई कई तो बाहर करी कहिबे आमे सेही मानको भितरु जणे जणे मालिका वर्णित पुरुष, मालिका वर्णित लोक होचु आमे। एमती घंट बजेई लोकमानंकर दृष्टि आकर्षण करी निजर अंटी पुरेवा कथा आउ किछि बाट इथि नाही। धर्म कर्म ईश्वर प्रेम सत्य न्याय को आबोरिबा आउ तद्वारा जगतर कल्याण करिबा, कली कालर कराल ग्रासरु जनमानस को उद्धार करिबा, एहा थिला महापुरुषंग लक्ष्य। अच्युतानंद महापुरुष मालिका तो इथि पे रचना करथिले। आ कौन मालिका खाली रचना आईला चारिमेघ गोटी आसव बड़ी होत्या भूमिकम्प हो भांगिज। अरे जो बापा ता छुआटा कष्ट पड़ी बोली देख से बापा कौन कह रे छुआ तू कष्ट पड़ु मरी जा। बापा कह नाई ना मो छुआटा कष्ट पड़ी केमी से कष्ट उद्धार हो। आम समस्ते शिष्य रूप से सद्गुरुदेव श्री श्री अच्युतानंद महापुरुषंकर पुत्र पपौत्र संतान संतति गण आमे समस्ते तांकर सी आमर कल्याण पाई 600 वर्ष तले कुढ़ कुढ़ ग्रंथ अपूर्व ग्रंथ अद्भुत ग्रंथ चमकप्रद अद्भुत शास्त्र सब रचना कले। सहज कथा नुहे जड़े मनीष पक्ष एत शास्त्र रचना करवा पूर्व अध्याय मानकरे आमे आलोचना करिचे से संपर्क रे। से साक्षात रे देव देव अच्युत तेणु से एभली सिद्धि एभली साधना एभली समर्पण एभली आशीर्वाद आम मानक पाई करी जाई चंती। से सूचना दे गले बाबू काहे कि बाचाल होच थोके कहुतिवे जनम हेलेणी दर्शन करीछि मुहि थोके कहुतिवे जन्म हेवे प्रभु थारो एबे बुझ तुही थारो एबे बुझ तुही ओ सुजने थारो एबे बुझ तुही थारो एबे बुझ तुही ओ सुजने थारो एबे बुझ तुही। बोले अच्युतानंद महापुरुष शंकर जय। अरे ठारटा को बुझ तमे बुझी पारु ना मु ज्ञानी मु प्रज्ञा चेतना युक्त मु बुझीछि ना ठारटा को महापुरुष भाई ठार लिखिले से अमुक नई कूल एमती हो अमुक जातिर अमुक लोक घरे एमती महाप्रभु जन्म हेबे आ मु बुझीछि चल देखेबी जन्म हेलेनी महाप्रभु। महापुरुष एक कथा भी जानिथिले जे एई कथार आळरे थोकाए बाहरी निज दुकान चलेबे काहीं कि आप फकीर मोहन सेनापति धूलिया बाबा गप पढ़ी बाबा गाँव में प्रकट हेले गाँ गहली रे धर्मर विश्वास अंधविश्वास फेंटा फेंटी होकर अच्छी बाबा गंजे खाती बाबा गोटे धूनी जले धूनी गोटे चुमुटा पड़ी थाए बाबा जीए जहाँ प्रश्न पचारे बाबा चुमुटा को तले पिटी दिंती आ उत्तर कही दिंती तत्क्षणात उत्तर सब मिले जहाँ टू जहाँ आवश्यक जेपरी आवश्यक सेपरी उत्तर मिले। बाबा प्रसिद्धि आज्ञा व्यापार लगला बाबा कौपिनी खंडे पिंधती किंतु सारा देहरे खाली धूली बोली होती एत आटोप आडंबर किसी ना बाबा तेणु बाबा ना प्रसिद्ध है कौन ना धूलिया बाबा कुश ने कुश पूजार लगे कुश कुश को नहीं समुद्र रे बुड़े कुश अग्रे जल बिंदुए आणिक थोबे आ कह समुद्र को टाणी आनी
ସତ ହବ? ଇଏ ଯେମିତି ମିଛ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯିଏ ସାକ୍ଷାତରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅମାପ ମାଳିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଅମାପ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଆଣି ପଦେ ଅଧେ କେଉଁଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାକୁ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ସବୁ ଏଇଥିରୁ ବୁଝିଗଲେ, ତାହେଲେ ସେଟା ସତ୍ୟର ଅପାଳପ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଥ୍ୟା ହିଁ ସାର ହବ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଧୂଳିଆ ବାବା କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଧୂଳିଆ ବାବା କିଏ ଜାଣନ୍ତି? ଇଏ ସେଇ ପାଖ ଆଖ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ, ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଷ ଜମି ଚଷିବା କାହା ଘରେ ଚାକିରି କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଜମିଲାନି ବୋଲି ଇଏ ବାବା ଭେଳିକି ଧରିଛି, ସାଥୀ କରିଛି ଗାଁର ବାରିକକୁ, ଗାଁ ବାରିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭେଦ ଜାଣିଛି, କାହା ଘରେ କେତେ ପିଲା, କାହାର କେଉଁ କଷ୍ଟ ଅଛି, କାହାର ପିଲା ହେଉନି, କାହାର ଜମିରେ ଚାଷ ହେଉନି, ସବୁ ଭେଦ ଜାଣିଛି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଚିମୁଟାଟା ତଳେ ପିଟନ୍ତି ଅମୁକ ଲୋକର ନାଁ କହି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତଡ଼ା ହେଇଥାଏ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତଡ଼ା ହେଇ ତା ଉପରେ ଧୂନି ଜଳୁଥାଏ, ତାରି ତଳେ ସିଏ ବସିକିରି ଉତ୍ତର କହେ। ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଉଛି, ଧୂଳିଆ ବାବାଙ୍କର କି ମହିମା, ଚିମୁଟାଟା ପିଟିଦେଲେ ଶୂନ୍ୟରୁ ବାଣୀ ଆସୁଛି ଆଉ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଉଛି। ବେପାରଟା ବହୁତ ଜମିଲା ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ରୋଜଗାର ଚାଲିଥାଏ। ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ଧୂଳିଆ ବାବା ଚିଲ ମଧ୍ୟ ସହ ଅଧିକା ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶା ଜୋର ହେଇଛନ୍ତି, ପିଟୁ ପିଟୁ ଆଜ୍ଞା ଧୂନିଟାକୁ ଜୋରରେ ପିଟିଦେଲେ କି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତଡ଼ା ହେଇଛି ତଳେ, ମାଟିଟା ଆଉ କେତେ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତା, ଚୁମୁଟା ବାଡ଼ିଆ ଖାଇ ଖାଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ତା ଭିତରକୁ ସବୁଯାକ ଯେତେ ଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ରଡ଼ ଅଙ୍ଗାର ଜାଳ କାଠ ସବୁ ଭୂ ସେଇ ପଶିଗଲା, ବାରିକଟା ତାରି ଭିତରେ ପୋଡ଼ି ହେଇକିରି ମଲା। ଧୂଳିଆ ବାବାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାହିତ୍ୟିକ କାହିଁକି ରଚନା କରିଥିଲେ, ଆମ ପରି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଚେତା ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କବଳରେ ପଡ଼େ ନା। ମାଳିକାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅପପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ଏଗୁଡ଼ାକ କଥାକୁ ନୁହଁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ କଥାକୁ ନୁହଁ, ଏବେ ପରା ଏଇଠି ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି। ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ, ସମୟ ସବୁର ପ୍ରମାଣ ଦେବ, କାରଣ ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। କେମିତି ମୁଁ କହୁନି, ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଶିବକଳ୍ପ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ପ୍ରଭୁ ହରି ନେବେ ବଣା ହେବେ ସୁଜ୍ଞ ଜନ, ଆପଣା ହାତରେ ସ୍କନ୍ଧ ଛିଡ଼ାଇବେ ମିଳିବେ ଦେବୀ ଭବନ, ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକକୁ ଜାଗ୍ରତ କର, ଯିଏ ମାଳିକାର ଅନୁସରଣରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିବେ, କ'ଣ ହବ ନା, ସେମାନେ ବଣା ହେବେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ତେଜକୁ ପ୍ରଭୁ ହରଣ କରିନେବେ, କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ, ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଭବିଷ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି, ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ପଢ଼ୁଥିବା ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକର କେମିତି ମତିଗତି ତାହା ବିଚାର କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଓଲମ ବିଲମ କଲେ ନା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହବ ନା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ବଣା କରିବେ, ଆପଣ ଯେଡ଼େ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ହବ, ଆପଣା ହାତରେ ସ୍କନ୍ଧ ଛିଡ଼ାଇବେ, ଦେବୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଖପରରେ କାଟିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ମାନେ ବଳି ହବା ପାଇଁ ଜଣେ ଯିବ ଆଉ ଖପରରେ ତାର ମୁଣ୍ଡଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ହେଇ ସେ ବଳି ପଡ଼ିବ, ଏକଥା ନାହିଁ, ଆପଣା ହସ୍ତରେ ସ୍କନ୍ଧ ଛିଡ଼େଇବେ, ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ କାନ୍ଧରୁ ଛିଣ୍ଡେଇ
देवी भुवन रे जाई पहुंचे कहे मते बळी ने केडे निराट सत कथा कहा जाई थोके कहुतबे जन्म हेबे प्रभु ठार एबे बुझ तुई नहीं कि जी भली अपप्रचार करिवे ये महाप्रभु जन्म हेई गलेनी के कहुतव हेटि होउचंती हे देख ठार गाररु एया निर्देश बाहरुची ताले बुझ सेपरी करुथिबा व्यक्ति आपणा हस्तरे निजर स्कंद छिंडी चंती आत्महत्या करुचंती मुनि ऋषिंकी जे स्थापी भुनेण महाजले सनीति बे सुजने महाजले सनीति बे महाघर गोल होइब से ठार परम ब्रह्मंकु निंदिवे जय श्री अच्युत जय श्री अच्युत जय श्री अच्युत जय श्री अच्युत बोली अच्युतानंद महापुरुषंकर सुण सुण आ बुझ मुनि ऋषि माने मध्य एई घोर कली काल रे एई तीव्र घोर वचनिका प्रस्तुत करुथिबा प्रगल्भ वक्ता मानंक पाखरे नीरवी जीवे मुनि ऋषि माने नीरवी जीवे कारण प्रकृत रे जे प्रज्ञावान चेतनाशील से माने एमिति उल्लुकुमतिया हेकिरि खाप छड़ा हेकिरि समाज भितरे भाषणबाजी करिवे नाही महाघोर गोल होइब सेठार स्थिति आसिब महाघोर कळी पुजिब जेतेबेले वचनिका प्रस्तुत करुथिबा व्यक्ति माने संजत हेबे नाही मन इच्छा वक्तव्य प्रस्तुत करिवे निजकु कानकु सुहाइला परि प्रचार करने को लगे आजिकाल तो प्रचार माध्यम गुड़िक बलिष्ठ है विभिन्न प्रकार बलिष्ठ माध्यम को अवलंबन करी मालिकार जदि उचित व्याख्या न करा जाए निजकु सुहाइला परि व्याख्या करा जाए ताहले ताहा हेउची परम ब्रह्म को निंदा परम ब्रह्म को निंदा आउ परम ब्रह्म को निंदा कले किए बा शांति रही पार तेणु माँ मैने बापा मैने विचार कर बुझ महापुरुष अच्युतानंद केड़े सुंदर सत्य आम मानक उपस्थापित करूँ कलिंग भूं एटी विरजा मंडल अच्छी एटी जगन्नाथ महाप्रभु अच्छा एटी सत्य रे न्याय रे धर्म रे भूई प्रतिपालित होउछि तेणु आमे माने जदि संजमी न हवा वाणी उपरे आयत्त न रखिबा प्रभुंक पाद तले सत्य आउ धर्म रे समर्पित न हवा मालिका को ठीक भाबरे बुझी पारिबा नाही आहे जे अनंत कोटि सिद्धिर स्वयं नायक आमे तेल लुण संसार रे भक्ष अभक्ष भक्षी नाना प्रकार कदर्ज्य चिंताधारा को निज भितरे धरी काम क्रोध लोभ मोह जर्जरित शरीर धारण करथिवा मनुष्य आमे सेसबुर मूल्यायन सठिक भावे करि परिबा मु एटी गोटिए कथा मो मनोभाव कहुची किछि किछि आमे बुझी परिबा कारण ता तो महाप्रभुंकर निर्देश तेणु किछि किछि बुझी परिबा किछि किछि जानी परिबा किंतु महापुरुष जेभली चिंता करूथिले अबिकल ताहा आमे आमर वक्तव्य रे उतारी दबा आउ कहिबा एहाई सत्य मन भितरु केही जणे काई कहुची नाही 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 सेबळी होई परिबो नाही कारण से भावना से धारणा से सिद्धि आम पाखरे काई आउ जणे युक्ति कला कला महाप्रभु तो पद्मकल्प निर्घंट रे कोन कहिले कले सीता ठाकुराणी सीता ठाकुराणी असती होइबे असती होइबे पर्वते फुटिब कई ओ पर्वते फुटिब कई अच्युत बचन अच्युत बचन तिले न टळीब तिले न टळीब पाषाण रगार एही ओ पाषाण रगार एही
बोली अच्युतानंद महापुरुष शंकर जय। निजे महाप्रभु मालिकारे लेखिचंती जे पर्वतटा पत्थर तैयारी पत्थर बड़ खंडटा है तो कौन पानी रे पद्म फूल फुटे पत्थर उपरे फुटी पारिबो फुटी पारिबनि धर फुटिला सीता ठाकुराणी कायरे मनरे वाक्यरे सी महाप्रभु श्रीरामंकर पाद तले समर्पिता चेष्टा कले भी कहीं तक असती बोली वर्णना करि पारिबनि धर सेपरि भी किछि तुंड वायद को चिकण करिथिबा लोक सीता ठाकुराणी असती बोली प्रमाण भी कले पत्थर देखिछन्ती आपण पानी मध्य देखिछन्ती पानी उपरे टिपरे गार पकेदेले से मिसिजीव कुआडे लिभिजीव पत्थर उपरे गार पकेदेवे से कौन सांगे सांगे लिभिव से स्थायी तेणु पत्थर उपर गार पर्वत उपरे कई बा पद्म सीता ठाकुराणी असती हबा ए सब हुए तो संभव हो जाए किंतु अच्युतंकर वचन मिछ केबे हब नाही कारण यह पत्थर गार परी अलिभा चिरस्थायी चिरंतन शाश्वत ए जुक्ति भी ठीक किंतु ए जुक्ति केते बेले ठीक ए जुक्ति सेतिक बेले ठीक जेते बेले आमे प्रकृत रे ताकू आम अनुभव को आणिबा आपण के बुझियोनी बुझिबा रसगोला टी आण रसगोला तयारी करथिबा लोक सीए भाग माप दे रसगोला तयारी करिछि आमे 20 जन रसगोला खाइले समस्ते सीए जेपरी भाव नहीं तयारी करिछि तदनुजाई कौन उत्तर दे परिबा रसगोला आम समस्त को मीठा लगे सत केते मीठा लगेगा किपर मीठा लगेगा स्वादटा के ताहा वर्णना करिवारे आमे समस्ते भिन्नता अवलंबन करिवा अलग अलग प्रकार समस्ते कहिवा कहीं ना जहार जी प्रवेश अच्छी जी जी चषिच जी जाणी जी बुझी तेणु किए बुझे से ठार गार किए बुझी से ठार गार को जहार जी भक्ति थार जी समर्पण थी कृपा पाइबापी जोड़हस्तरे साधन करार्थना करव्यक्त को सी व्यक्त करदे अदृश्य को सी दृश्य करदे अजणा को सी जनईदे अज्ञात को सी ज्ञात करदे सबू से ही अच्युत गुरुदेवंकर करुणा समय आदेश हैणी आज ये विराम ने दुईबार इष्ट चिंतन रे समय आसतु अतिवाहित करवा पद्मवन राजहंस जय जय हे पद्मवन राजहंस जय जय हे ओ पद्मवन राजहंस जय जय हे पद्मवन राजहंस जय जय हे जय जय हे अच्युत जय जय हे जय जय हे अच्युत जय जय हे पद्मवान राजहंस जय जय हे पद्मवान राजहंस जय जय हे बोली अच्युतानंद महापुरुष शंकर।